सांप की सफारी करने वाले मेंढक की कहानी, फॉक्स दैट रोड अ स्नेक स्टोरी इन हिंदी। सालों पहले वरुण पर्वन के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बड़ा सा सांप मंदबीज भी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वो आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। एक दिन उसने तरकीब सोची। वो तुरंत मेंढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां वो दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठे एक मेंढक ने उसे देखा। उस मेंढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, चाचा क्या बात है, आज आप खाने की तलाश नहीं कर रही है, अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे? इतना सुनते ही सांप ने रोने सी सूरत बनाकर मेंढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेंढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से मेंढक ब्राह्मणों को झुंड में जाकर छुप गया। मेंढक को भोजन बनाने के चक्कर में गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर ब्राह्मण ने मुझे सांप दे दिया। उन्होंने मुझे सांप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेंढकों की सवारी बनना पड़ेगा, इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह बात सुनते ही वो मेंढक तुरंत तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बातें बताए। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंढकों का राजा जलपक तालाब से बाहर निकलकर एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मेंढकों ने भी ऐसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेंढक अभी मेरी परीक्षा ले रही है। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेंढकों को राजा ने कहा, जितना मजा मुझे सांप की सवारी करके आया, उतना आज तक किसी की सवारी करके नहीं आया। मेंढकों को भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेंढकों को सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप ने अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। यह देखकर मेंढकों को के राजा जलपाक ने पूछा, हे सब तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण के सांप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूँ, इसी वजह से मेरी गति कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटी छोटी मेंढकों को खा लो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन मुझे ब्राह्मण का सांप है, मैं मेंढक खा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं खा लेता हूँ। ऐसा करते करते वो रोज छोटे छोटे मेंढक खाने लगे और बहुत तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफ़ी पसंद था। मेंढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे। मेंढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक नहीं लगी। होते होते एक दिन सांप ने मेंढकों को राजा जलपाक को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेंढकों को वंश का नाश कर दिया। कहानी से सीख, किसी भी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित है।